ये स्कूल दिख रहा, यहाँ से हम अपनी छोटी बहन को लेकर जा रहे हैं पिकनिक के लिए। अचानक से ये देखिए छोटी बहन आ गई हमारी। हम सब का प्रोग्राम बना, हम लोग चलते हैं किंग पॉइंट की ओर, एक छोटी सी पार्टी मैगी पार्टी करके आएंगे और इस पॉइंट को भी कवर कर लेंगे। रेडी हैं किंग पॉइंट जाने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस के वशिष्ठ नेता, एकदम स्पेशल नेता जी। क्या सर आपका पोस्ट क्या है? मैं तो पोस्ट भी भूल गया हूँ, बता सकते हैं क्या? नहीं नहीं, वो गुप्त ज्ञान। अच्छा, स्टेट कोऑर्डिनेटर ऐसे करके कुछ था। और राहुल सिंह राजपूत जी पहुंच चुके हैं। अरे हम तो हमेशा सबसे जलते रहते हैं। पहले तो खुद ब्लॉगर बनाने के शौकीन थे, लेकिन बाद में UPSC का ज्ञान चालू कर दिए। और हमारे भाई का छोटा सा दुकान है, ऐसा नहीं है छोटा सा दुकान नहीं है, लेकिन इनके पास होटल वोटल खोलने वाले हैं, टाइगर पॉइंट में रिसोर्ट बनाने वाले हैं अभी भैया, इसलिए बिजी हैं। देखिए ये एक रोड कटा हुआ है किंग पॉइंट जाने का रास्ता, ये इससे जाना है हमको किंग पॉइंट। अरे यार बीड़ी पी रहा है यार भाई तू, है यार गजब यार, दिखा दे एक बार कैसे पीते हैं। यार पास में है ना, वाह। तो दोस्तों ये है किंग पॉइंट जाने का रास्ता, अभी तक बना तो नहीं है ये पूरा, हम खेत के रास्ते चल रहे हैं किनारे किनारे। भैया की स्कूटी का आवाज़ आ रहा है, वो बोले कि मैं पैदल ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाऊँगा। भैया वहाँ से आ गए, ये देखिए हमारे गाइड। हाँ वो आ गया, देखो देखो वो आ गया गाइड। भैया स्कूटी में चल रहे हैं आगे, मेरे बगल में आप देख सकते हैं ये रास्ता। और नेताजी लोग तीनों माइंड पार्ट के युवा वर्ग के नेता हैं, बहुत अच्छे। और पीछे हमारी दीदी आ रही हैं। व्लॉग में मेरी एंट्री थोड़ी लेट हो रही है, क्योंकि मैं थोड़ा पीछे था और मैं पीछे का शॉट लेने वाला हूँ इस फ़ोन के ज़रिए। हम लोग आज जा रहे हैं किंग पॉइंट, जो कि एक हिडन वाटरफॉल है, जंगल के बीच में है, यहाँ कोई नहीं आते हैं। यहाँ के जो जानकार लोकल हैं वही जानते हैं। तो आज हम लोग को सुधांशु भैया ले कर जा रहे हैं यहाँ का झरना दिखाने के लिए। तो बस आगे बढ़ रहे हैं और लोकेशन गजब का है। तो हमारा प्रयास यही है कि हम अपने व्लॉग के ज़रिए आपको भी दिखा पाएँ। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और आप भी नए नए जगहों का आनंद लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
तो इसके नीचे ही झरना है, तो अभी हम लोग को थोड़ा घूम कर जाना पड़ेगा उस साइड से। यहाँ बैठ के इन लोग सब आराम कर रहे हैं। हम लोग किंग पॉइंट झरना से उतरने का रास्ता है, गलियों में छोटी सी जो बनी है लकड़ी काटने वाले गांव के द्वारा लोगों द्वारा, और ये आंवले का पेड़ भालू के पंजे का निशान है। ये अर्थात भालू यहाँ कुछ खाने के लिए आया था नीचे। वो देखिए वो वाले रोहित भैया ये शॉर्टकट जा रहे हैं, पकड़ के उतरिएगा भैया, आपसे विनम्र निवेदन है, आप हमेशा शॉर्टकट बनाते हैं। एक मिनट, याहू, वो देखिए रोहित भैया को सीधे नीचे उतर गए। वाव, आप सब देख सकते हैं हम उस ऊपर से उतरते हुए इधर से ऐसे आ चुके हैं झरने पे, और हम वहाँ थे उस टॉप ऑफ द वाटरफॉल, और वहाँ से सीधे नीचे आ चुके हैं भाई लोग हमारे झरने को देखने के लिए। आपको थोड़ी देर में हम झरने का दर्शन कराते हैं, पहले वहाँ पहुँच जाएं। किंग पॉइंट का झरना ये आधा दिख रहा, ये है पेड़, इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा गहराई है कुछ, लेकिन कुछ कुछ चट्टानों से बना हुआ है। आप पानी का फोर्स देख सकते हैं कितना तेज पानी है, इससे पता चल जाएगा आपको। वहाँ एक भंवर के समान बना हुआ है, लोग बोलते हैं कि वहाँ पास अगर कोई डूबता है तो गोल गोल घूमने लगता है, और इसमें मछली भी बहुत हैं। अब पता नहीं ये बात सत्य है या नहीं, लेकिन यहाँ मछली बहुत हैं बोलते हैं गाँव वाले, और बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं यहाँ पास, करीबन 5-6 किलो 7-8 किलो की मछलियाँ पाई जाती हैं, गाँव वाले निकालते हैं यहाँ से।
अभी हम लोग नीचे से झरना देखकर आ चुके हैं। तो उतरते टाइम बहुत थक गए थे और चढ़ते टाइम तो और पसीना आ गया, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। अब नीचे दीदी लोग पीछे आप देख सकते हैं, ये लोग चूल्हा बना रहे हैं, आग जला रहे हैं मैगी बनाने के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ मैगी बना के खाएँगे, उसके बाद यहाँ थोड़ा देर बैठ के फ़ोटो वगैरह शूट करेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। अब हम लोग झरने से वापस हो रहे हैं, फाइनली हम लोग झरना देख लिए, पिकनिक भी मना लिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और वापस होते होते चढ़ते चढ़ते पूरे थक चुके हैं, सांस फूलने जैसे हो गया है, पर अब ठीक है। और यहाँ का जो पेड़ का जो हाइट है आप देख सकते हैं, काफ़ी ऊंचा ऊंचा है। और इधर भैया लोग जा रहे हैं, तो बस अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। का जो वाटरफॉल है बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है, मेरे हिसाब से आपको भी आना चाहिए। जैसे कि आप लोग दूर से आते हैं, बाहर से आते हैं, तो केवल आप नॉर्मल ऐसी दो तीन जगह को जानते हैं, टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, बूढ़ा नाग, ये सब। तो अगर आप थोड़ा सा ट्रैकिंग करें, थोड़ा सा कष्ट करें, कोई गाइड को ले लें आस पास के, तो आप आराम से ऐसे जगह को भी देख सकते हैं। तो अगर आप ऐसे जगह को भी देखने चाहते हैं तो यहाँ इस जगह पर ज़रूर आइए। ये है कुनिया में, कुनिया के पास से इसका रास्ता है और ये लगभग वहाँ से 3 किलोमीटर अंदर है। तो आपको आगे गाड़ी खड़ा करके पैदल पैदल यहाँ आना पड़ेगा और आप आराम से देख सकते हैं यहाँ का झरना जो है, जिसका नाम है किंग पॉइंट। इसे लोग यहाँ के गांववासी, आसपास के जितने भी हैं, सब किंग पॉइंट के नाम से बुलाते हैं। तो और हम लोग भी यहाँ आए, बहुत ही
मज़ा आ गया देखने में और आनंद आ गया, जैसे कि हम लोग पूरा फ़ोटो शूट वगैरह किए। और जो यहाँ का जो वाटरफॉल है उसका जो गहराई है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग पत्थर फेंक के देखे बुलबुला निकल रहा था, मतलब समझ सकते हैं कि कितना गहराई है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत मज़ा आया होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है हम लोग का तो इसे शेयर कीजिए। तो हम सब किंग पॉइंट का झरना देख कर आ गए हैं, हमारे साथ हमारे पूरे परिवार के लोग अर्थात हमारे भाई बहन सब यहाँ खड़े हैं। ये स्कूल से आई थी इसलिए अपना मुँह नहीं दिखा रही हैं। तो रोहित राजपूत भैया और ऋषि राजपूत भैया जी दोनों साथ में खड़े हुए हैं एकदम बेस्ट फ्रेंड के जैसे, और निशी दीदी हमारे साथ में है, आर्या दीदी हमारे साथ है, रूपा दीदी हमारे साथ हैं, और हमारे इस टूर के गाइड सब चीज़ एकदम पूरा व्यवस्थापक सब हमारे भैया सुधांशु सिंह जी यहाँ पास, और वो बाबू भैया, और ये जो भाग रहे हैं राहुल सिंह राजपूत। तो मैं इन सब से एक्सपीरियंस पूछना चाहता हूँ, कैसा लगा आपको, आप बता सकते हैं यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? ये बहुत एडवेंचरस था, बहुत वाव था। आप लोग से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, मतलब जो भी है आप लोग आइए, बहुत आप लोग एंजॉय करेंगे। निशी दीदी क्या आप बता सकती हैं आपको कितना मजा आया यहाँ पे चलने में, और ये भालू वालू वाला खौफ कैसा था? बहुत अच्छा लगा, पर अब मन कर रहा है भालू देखने का। मतलब वो एक मिथ्या थी भालू की, मतलब लोग डरा रहे थे ताकि लोग यहाँ पास आए ना और इस स्थान को गंदा ना करें, लेकिन हम तो शाम को आए भाई, ना भालू दिखा ना भलवाइन दिखी ना उसके बच्चे। हमारा सफ़र यहीं ख़त्म हुआ, अब हम जा रहे हैं अपने अपने घर की ओर। ये बाबू भैया चले गए और पीछे रोहित भैया रुके हैं, अब ये भी अपनी NS दौड़ाएंगे। बहुत तेज़ी से दौड़ाइए, क्या बात है, अरे मेरे को भी लेके चलो, मेरे लिए भी रुको 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 रुक जाओ,